यज्ञ तुम्हारी मान रहा हूँ मैं, यानी को ना होशियार हो मुँह तो बाबरे से लग रहे हैं जो ब्राह्मण कहा करें, या ऐसी चुंदई सरकार इन बीजेपी मर रहा है परे, अरे या तो वो पहली सरकार बड़ी आई या तो बहन जी की बड़ी आई, अरे मेरे भारतवासी हो, अरे ब्राह्मण या बहन जी वही ला दो, या तो बहन जी बड़ी आई। पर वोट तो आप जाति धर्म पे देते हो ना है जी, जाति धर्म पे देते हो ना वोट तो आप। वोट अब तू कहने लगे वोट जाति धर्म पे दें वहाँ पे दें, तो वोट वोट जो जाति और धर्म पे दे रहे कहा है, वो देने वाले सब थोड़े ही हैं। सारी यूपी देती है, रिकॉर्ड इतिहास है बाबा यूपी का। अरे यूपी में वोट धर्म जाति पर होता, यूपी को लगता है जो धर्म और जाति, जो धर्म तो इनने फैलाया हो, नहीं धर्म पहले ना आप नहीं फैलाते, मतलब वो फैलाते आप फैलने देते हो, फैलाओ इन्हें धर्म तो धर्म कर करके मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इन्हें कर करके हिंदू हिंदू, इन्हें फैलाओ है। तो आपने रोका क्यों नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी थी। अरे रोक तो रहे, जोर तो लगा रहे, खूब जोर लगाए। अच्छा जब ना लगाए हमने जोर पर के बांट दे। कितने मुस्लिमों का टेंट है तुम्हारे आंदोलन में रेज के, कितने हैं एक दो के नाम तो बताओ। अब यार नाम तो वो ना फरमा ले रहे हैं, वैसे ही रेज के हैं कहाँ है? तेन ना देखे, मैंने ना देखे पिछले 11 महीने से एक टेंट को छोड़कर, एक टेंट में हैं। तो फिर बता अल्पसंख्यक हैं, कोई एक टेंट तोड़ो उनको। अच्छा एक काफी है, बचेरो एक टेंट मतलब अल्पसंख्यक है, डर के मानना है रे। और पूरे पूरे देश को उनसे खतरा है, है? कौन सरकार जन कहा के बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, तुम लोग कहते बह के तुमने वोट इसलिए दिया। बीजेपी के नेता तो जन कहा के हैं, उनकी तो तू बात अभी बता रहे हैं, उन्हें तो 14 मिली गई है लेती अंगना है। वोट तो आपने दिया था, वो कौन है कि मुस्लिम राज ना हो जाए कहीं देश में, ये डर के मानना है जी। कैपो तो बता चुका हूँ मैं, झूठ झूठ एक सौदा है सो भैया, कि यहाँ में अच्छे अच्छे आ जाएं, कि 15 लाख आएंगे कारो धन आवेगो तुम रही सह जाओगे, ये झूठी झूठ है झूठ। राम मंदिर बनाएंगे इसे तो भूल जाते हो हैं जी, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाने को सरकार को कहा काम, ये सरकार के काम है, ये मंदिर बनानो मस्जिद बनानो सरकार के काम है। अब आपको नहीं लगता किसान आंदोलन घुटने तोड़ टेक चुका, तुम्हें लग रही है मौत है किसान आंदोलन पूरा जवान है। कितने महीने बाद आयो आंदोलन में, कौन मैं मैं नानक ताऊ है होंगे 15 दिन, अब बताई ना तो आते जाते काम ना करें, इनकी तरह रंडुआ वड़ुआ हमारे बालक ना आए देश ना देखना। तुम रंडुओं को गाली दो, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो रंडुओं की है यहाँ, तुम खुद रंडुए नानक ताऊ। मैं कह रंडुआ हूँ मैं, हे बकवास मत कर, बालक है बहु है सब सौदा है। यहाँ जनसंख्या कितनी है रंडुओं की तुम्हें पता, कहाँ है यहाँ पर या ना है आंदोलन में ज्यादा ना है, रड़ुआ थोर रड़ुआ वहाँ नहीं कही, ये कही रड़ुआ तमाम आगे घर के खून ने पी जा है, रड़ुआ ज्यादा ना है, रड़ुआ है जो रड़ुआ हथकाए की ये रंडवे का है ना, तो समाज के लिए त्यागा परिवार कहा तो समाज देश के लिए त्यागे ना अपना, जो भैया बानी छोड़ दे वो सामाजिक आदमी हो। अच्छा आज पता चला 2014 में पता चला तेरे कौन है, हम वो तो पता ही खूब। अच्छा और ना पता ही और जान रहे वो बाबा रामदेव ना कहो कि डीजल इतना लोगे बहने भाई के इतने रुपए लीटर लोगे, अब पूछो वहा बाबा जी अब कह मिल लो डीजल, अब कह मिल लो पेट्रोल, जब नो कहे कि हम 15 लाख लोगे मिल गए, झूठ बोले झूठ ही आएगी सगरे, अब वो झूठ पर झूठ झूठ और भाई करे ही करें। वैसे वोट तो बीजेपी को दोगे, आंदोलन तो बदले से कर रहे हैं आप लोग, ये बात कैसे भर रही है, हम बीजेपी वोट देंगे बीजेपी फिर बीजेपी वोट देंगे, तू बीजेपी को तो आ गई 2018 में तुम यहीं पिटे थे और तुमने 19 में फिर वोट दिया, कौन ने तुमने 19 में, अरे बताई ना मैं पिटे तुम इसी बॉर्डर पे, वो नो बताया था जो बताई ना है तू है 18 में पिटने को, तू आगे बात तो करे मत ऐसे में पुलिस ने सबसे बजाया तुम तो सबसे, अरे सबसे बड़ी बात बस ये कही भैया झूठ के चक्कर में आए गए, लालच बुरी बवाल है, कोई झूठे को बहका जाए 3 नाटक चक्कर काटते फिरेगो तू भी, ये जो सौदा ये सौ झूठ। अच्छा लट खाते भी झूठ में आ गए, हां झूठ है ही झूठ में आ गए गुड़िया, झूठे ही ऐसा सौदा हो फिर झूठे ही का, तो फिर आओगे आप तो इसका अब ना, अरे तो सब पता लग गई इनको, भंड खुल गो इनको जो झूठ हो वो खुल गो, इस बार ज्यादा पिट गए हैं, हाँ बाप कसम ना छोड़ी है? अब तो पूरा देश इनने रगड़ के फेंक दियो है, पेट्रोल में डीजल में और गैस में कसम ना छोड़ी, रगड़ के फेंक दिए। भविष्य ऐसा बढ़िया नजर आ रहा हो हमें कि देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, ये देशवासियों
हम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, एक साल थे अपने देशवासियों थे बार बार कह रहे हैं और वह कहने को फर्क भी आ रहा है, धीरे धीरे हम अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमें एक नाम भी दिया कि आंदोलन जीवी परजीवी, हमने एक उसी समय कह दी कि परजीवी रात रात में बढ़ जाए, परजीवी जाने छह पाते कहे हम, पर यहाँ तंबुओं पर ताले ज्यादा नजर आ रहे लोग कम, या आप काम चल रहा है वो हमने बहुत पहले कह दी कि काम भी करेंगे और कहा कर आंदोलन भी चालू रहेगा, जाते रहेंगे आते रहेंगे, आंदोलन हमारा बरकरार चलेगा और आंदोलन रंग ला रहा है। कहाँ रंग ला रहा, नजर तो नहीं आ रहा ना है, नजर आवेगा अब चुनाव में, नजर आवेगा चुनाव में, जब चुनाव होगा, अभी यूपी में चुनाव है, अब चुनाव में नजर आ जाएगा। चुनाव में क्या करोगे, चुनाव में कहा करेंगे, चुनाव में इनकी खिलाफत करेंगे, जितने अपने भैया समझाए जाएंगे उतने समझा रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे भाई कि इन देश के जो गुलाम की तरफ ले जा रहे हैं, गुलामी की तरफ देश है ले जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ देश है ले जा रहे हैं, उससे बचाना है देश को, महंगाई की मार से बचाना है, जैसे नहीं कहते आज कैसे कह रहे हैं पेट्रोल पे डीजल पे, जो पहले ही कह चुकी है इनकी, वो कौन है वो सीतारमन है का, कि वो तेल कंपनियों पे भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि अब इनको काई पे निमंत्रणा चुकी तो दे चुकी, जब मैं दे दियो, जब मैं खेते उठा दूंगा भैया मुट्ठे पे, तो वाह की माया कसूबे कछ भी करे, तो मैंने तो मुट्ठे पे उठा दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव तो जीतेंगे यूपी, अरे वो तो कह रहे उनके ठोक के भर रही है, उन्हें तो यह है हम ही जीतेंगे हम ही आएंगे, ऐसे तो टिकैत साहब भी कह रहे थे जीतेगी तो बीजेपी, कौन टिकैत साहब, बिल्कुल ना कह रहे जीतेगी बीजेपी, कह रहे हैं जीतेगी घोटाला करेंगे ये घपला करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात भाई, बाकी भाई काबिल है वो टिकैत साहब, ऐसे थे ना अनुभवी है, क्योंकि पूरा संशय या बात पे या ईवीएम में पूरी गड़बड़ी है, तू ठप्पो लगवा दे तो आप किस लिए फिर कैसे रोक पाओगे हैं जी, इसका मतलब भैया कोशिश तो कर रहे हैं खूब है। अब हमारी बस जितनी पेश चली जाएगी उतनी तो जाएगी, तू ठप्पो लगवा दे और जो बीजेपी कहीं पाजा ढूंढी, बीजेपी आ रहेगी और अब भी आ रहेगी, ये बेईमानी से जीत जाए तो अलग बात है, जैसे पंचायती चुनाव में जीते पर्चाई ना भरन दिए, फुल दादागर जीते जीते, आंदोलन में कहां कमी रह गई जो सरकार ने अभी तक बात नहीं मानी, एक साल हो गया पूरा, आंदोलन में कहीं कमी ना रह गई, ताना साह है नहीं मानते, बिगाड़ेंगे ही क्या उनके साथ, बिगाड़ेंगे ही क्या, लोकतंत्र में ताना साह कोई नहीं होता है जी, ताना साह है इस समय, ताना साही है देश में, जनता ने चुना है, हाँ चुनो है ना जनता ने, जनता ने चुनो है ना, और अब जनता ही ने उतार देगी, या को विश्वास ना कर रहे हो ना तुम कर रहे ना के कर रहे, लेकिन है जागो, तो फिर आप ताना साह क्यों कह रहे, जनता आएगी तो ताना साही कर रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं ताना साह, ये ताना साही ना कि हम यहाँ एक साल से पड़े इतने किसान हमारे शहीद है गए, आज तक कोई पूछे को आयो है, आंदोलन रास्ते से भटक गया क्या, ले रस्ते से कहाँ भटक गो, आंदोलन उसी जगह पे है बढ़ रहा है, इसी समय पिछले साल काम नहीं था कि किसान पास जो यहाँ बड़ी तादाद में आए थे, जब बताई नहीं पहले जब यहाँ किसान आए बड़ी तादाद में आए आंदोलन शुरुआत थी, लेकिन जब हमें पता लगी कि आंदोलन धीरे धीरे टाइम पकड़ता जा रहा है लंबा हो गया है, तो लंबा जब है वो आंदोलन तो हमारे आदमी सब किसान है, हम किसान कम होने की वजह से क्या लोग थके नहीं है, कैसे लग रही है तुम्हें थक गए, तुम कैसे लग रही है गुड़िया तुम्हें कि हम थक गए, अब तू देखियो 26 जनवरी फिर आ रही है, फिर आ रही है 26 जनवरी 26 तारीख है, क्या करोगे 26 तारीख को, यहाँ इतना ही बड़ो आंदोलन है, उतना ही बड़ो जितने पहले हो, इतने लोग आएंगे और ज्यादा वो आते और ज्यादा लग नहीं रहता, अब भाई लगने को तुम्हें तो न्यूना लग रहा होगा, हार होगी और मुंह लग रही है कि हार होगी 100%, दिल्ली जाओगे, हाँ तो दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, अगर हमारे नेता कह रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, पहले की तरह जाओगे या आपका ठीक ठाक हो, हम तो पहलू बढ़िया गए, हम पहले ही कब गलत गए, वो ही नहीं के वो कुनाओ लंगूर चढ़ा दियो का झंडा पे, वो कौन को इन्हीं को, तो वो बीजेपी को ही तो हो, तो एक आदमी थोड़ा ही चला तो वहाँ तो हजारों लोग, वो बीजेपी के ही तो है और कौन के, वो अगार अगार जा रहे का वो सब बीजेपी के ही है भैया, वो लेके बहका के कहो, आपको आंदोलन कोई कमी नजर नहीं आते ना, कोई कमी नजर नहीं आ रही आंदोलन हमारे,
शांति पूर्वक चल लो, अहिंसा के पुजारी है, हिंसा चाहते नहीं। आपको नहीं लगता कि पूरा किसान आंदोलन एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है, चेहरे की लड़ाई हो गई है? चेहरे की कैसे इर्द गिर्द घूम रहा है? आप तजुर्बेदार हैं, बोले हैं, सब जानते हैं। तुम यही बात है तो कहना चाह रहे हो कि एक चेहरा टिकैत साहब के पीछे घूम रहा है, या ये कहना चाह रहे हो? या तो कि बनाम है, पहले का ये बना लें, पहले तो इन्हें सरदार हीरो बना दिए, रहेगा सरदार भंडारा लुटा रहे, सरदार खवा रहे, फुसकटे खा रहे, और जब देखी का आगने का इतने, फिर कहने लगे ये तो जाटन को आंदोलन है, ये तो जाटन को है। मैं जाट हूँ, मैं तो जाट हूँ ना, ना आंदोलन तो किसी का ही, नेता तो ब्राह्मण ही बनता है ना। है अब ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण तेज है भाई, मेरे देशवासी हो, हे ब्राह्मण हो, जितने भी ब्राह्मण है यूपी में, मैं कह रहा हूँ अगर तेज हो तो भाई जान अब के दिखा दीजिए कि ब्राह्मण है क्या। सरकार किसी की भी हो लेकिन ब्राह्मण तो अपना मौका ढूंढता है ना, उसका वर्चस्व तो रहता हर सरकार में रहता, चाहे सपा की हो, बसपा की हो या बीजेपी की हो, बताओ। हाँ ब्राह्मण ने कहाँ मार खाई है? ब्राह्मण मार खाई है, ब्राह्मण मार खाई है वो तो ब्राह्मण, ब्राह्मण बुद्धिजीवी हो कि ना हो? बिल्कुल बुद्धिजीवी हो, फिर बुद्धि है तो मार कैसे खा जाओगे भाई? वो जाटों में बुद्धि नहीं होती है? तुम ही तो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम कह रहे हो, बुद्धि तो सब में, बुद्धि तो पशु में भी है, बुद्धि कौन में ना है, बुद्धि सब में। हर जगह कैसे रहते हो? ये हर जगह हम ही नहीं, कौन ना है रहे हर जगह कौन ना है बता, कौन ना है? बीजेपी में कौन सी जाति ना है? अगर जाति की बात करो, धर्म की बात करो, कौन से धर्म के ना है? सब में